अब हम आपके शरीर के कंप्यूटर यानी आपके दिमाग की बात करेंगे क्योंकि आपका जो दिमाग होता है वो आपके शरीर का सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है जब दिमाग के किसी हिस्से को ऑक्सीजन या खून की सप्लाई अचानक रुक जाती है तो दिमाग के उस हिस्से के सेल्स यानी उस हिस्से की कोशिकाएं मर जाती हैं या मरने लगती हैं और स्थिति को ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक कहते हैं एक अनुमान के मुताबिक ब्रेन स्ट्रोक के दौरान हर एक सेकंड में बत्तीस हजार ब्रेन सेल्स मर जाते हैं और यह नुकसान अक्सर स्थायी यानी परमानेंट होता है आपका सोना जागना सोचना चलना फिरना खाना बोलना आपकी तमाम भावनाएं आपके फैसले लेने की शक्ति आ सब कुछ नियंत्रित करने वाला आपका दिमाग 24 घंटे एक मशीन की तरह काम करता है इसलिए इस मशीन को सही सर्विसिंग यानी सही मेंटेनेंस या देखभाल की सख्त जरूरत होती है लेकिन आप इसकी देखभाल कभी करते हैं कभी सोचते भी हैं आप अपने शरीर के बारे में तो शायद कभी कभी सोच भी लेते होंगे जब आप जिम जाते होंगे या जब आप कोई वर्कआउट करते होंगे या कुछ भी नहीं करते तो शायद वॉक पर जाते होंगे अपनी गाड़ी का आप कितना ध्यान रखते हैं आपके घर में जो और मशीन होती हैं उनका कितना ध्यान रखते हैं सोचते हैं कि ये हमेशा ऐसे ही चलती रहे अपने शरीर का भी कभी कभी ध्यान रखते हैं लेकिन अपने दिमाग का आप कितना ध्यान रखते हैं दुनिया में हर चार में से एक व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक का खतरा रहता है यानी हर चौथा व्यक्ति स्ट्रोक के खतरे के दायरे में है आप भी होंगे स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक के शिकार होने वाले बीस लोग चालीस वर्ष से कम उम्र के होते हैं दुनिया में स्ट्रोक मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है पहला कारण है दिल की बीमारी और दूसरा कारण है ब्रेन स्ट्रोक भारत में हर वर्ष 18 लाख लोग ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं आज हम आपको तीन ऐसी बड़ी वजहों के बारे में बताएंगे जो आपके लिए ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकती हैं इसलिए सावधानी से अब आगे की बात सुनिए पहली वजह है कोरोना वायरस का संक्रमण इससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है दूसरी वजह है आपका लाइफस्टाइल और तीसरी वजह है जिसके बारे में आपने शायद ही सोचा हो वो वजह है गर्दन की मालिश या मसाज डॉक्टर इस समस्या को बारबर चेयर स्ट्रोक या ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक कहते हैं कोरोना वायरस से रिकवर होने के बाद बहुत सारे मरीज दिमाग के सुस्त पड़ने की शिकायत कर रहे हैं कई लोगों को फोकस ना कर पाने और चीजों को ठीक से ना समझ पाने की समस्या हो रही है इस समस्या को ब्रेन फॉग का नाम दिया गया है हालांकि डॉक्टर अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि कोरोना के संक्रमण से रिकवर हुए मरीजों में यह लक्षण कितने दिनों तक रहेंगे लेकिन यह जरूर समझा जा सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कोरोना वायरस के शिकार मरीजों में ब्लड क्लॉट यानी खून के जमने की समस्या हो सकती है इसके अलावा कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड मरीजों को आइसोलेशन यानी अकेले में रहना पड़ता है और एक ऐसी बीमारी से जूझना पड़ता है जिसका कोई इलाज अब तक किसी के पास नहीं है ये अनिश्चितता भी दिमाग पर बुरा असर डालती है और ठीक होने के बाद भी आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता आप कोरोना वायरस का को तो हरा देते हैं लेकिन आपका दिमाग तब तक बहुत कमजोर हो चुका होता है अब दूसरी वजह की बात करते हैं जो पूरी तरह से हमारी खुद की बनाई हुई है और यह समस्या है खराब लाइफस्टाइल इसमें हम सबसे पहले मोबाइल फोन को रखेंगे क्योंकि खराब लाइफस्टाइल वाली लिस्ट में यह पहले नंबर पर है अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिसर्च के मुताबिक पचास मिनट से ज्यादा देर तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल ब्रेन एक्टिविटी को तेज कर सकता है यानी आप यानी मोबाइल फोन आपके दिमाग की शांति को भंग करके उसे एंग्जाइटी यानी तनाव देने का काम करता है इसके अलावा अगर आप धूम्रपान करते हैं आपका ब्लड प्रेशर हाई है आपको डायबिटीज है आप जंक फूड बहुत खाते हैं और आप एक्सरसाइज करने में यकीन नहीं रखते व्यायाम नहीं करते तो आपको ब्रेन स्ट्रोक का खतरा और भी ज्यादा है अब तीसरी वजह वो ये है गर्दन की गलत तरीके से की गई मालिश गर्दन की मसाज अगर गलत तरीके से की जाए तो सीधे अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ सकती है आपका मस्तिष्क जितना सेहतमंद होगा आपका शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा क्योंकि आपके शरीर का कंट्रोल आपके दिमाग के पास है यानी आपका जो पूरे शरीर का रिमोट कंट्रोल है वो आपके दिमाग में है इसलिए आज आपको हमारी ये रिपोर्ट ध्यान से देखनी चाहिए जिससे आप अपने मस्तिष्क की सेहत का ठीक से ख्याल रख पाएंगे अच्छे फैसले ले पाएंगे खुश रहेंगे और अगर ये दोनों स्थिति आपके साथ होंगी तो अच्छा काम करेंगे अच्छा पैसा कमाएंगे अच्छा अच्छी जिंदगी जिएंगे और आपका परिवार भी खुश रहेगा ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर नस जो हार्ट से लेके ब्रेन तक जाती है उसके अंदर खिंचाव आ जाने से जैसे हम डिसेक्शन कहते हैं मेडिकल टर्म्स में स्ट्रोक हो सकता है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे शरीर में कमज़ोरी आ जाए या बेहोशी आ जाए और इसको बिल्कुल चेयर स्ट्रोक या नेक डिसेक्शन के नाम से जाना जाता है आ, हम लोग ये ज़्यादातर कहां कहाँ देखते हैं वो तब जब लोग मालिश वगैरह करवाते हैं और गर्दन की मालिश और चटक निकलवाना गर्दन में ऐसी स्थितियों में जाते हैं जिससे नेक की आर्टरीज़ या ब्लड वेसल्स पर इंजरी आ सकती है दिल्ली की रहने वाली वंदना को जब गर्दन में अकड़न के साथ अस्पताल लाया गया तो शुरुआत में डॉक्टरों ने कहा कि वो अब उठ नहीं पाएंगी ब्यूटी पार्लर में एक मसाज के दौरान उनकी गर्दन से दिमाग तक जाने वाली एक नस में दर्द शुरू हुआ था इस घटना को अब दो साल बीत चुके हैं दो साल पहले तीन दिन अस्पताल में रहने के बाद वंदना ठीक तो हो गयी लेकिन अभी भी इलाज करवा रही है

लेकिन कई लोग इस हिस्से की जमकर मालिश करवा लेते हैं जिससे गलत तरीके से नस दबने की वजह से उनकी गर्दन में अकड़न से लेकर कई गंभीर परेशानियां हो सकती हैं। गलत तरीके से कुछ योगासन करने पर भी कई लोग स्ट्रोक के शिकार हो सकते हैं जैसे जैसे हम सबकी की लाइफ बदल रही है वैसे वैसे ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ता जा रहा है ऐसे में डॉक्टरों की सलाह है कि गर्दन की मसाज से बचना चाहिए जरूरत हो तो हल्की मालिश करवाएं। पहलवान और नौसीखीय लोगों से गर्दन की मालिश ना करवाए तो ही बेहतर है पूजा जी तो अब बड़ा सवाल ये है कि ब्रेन स्ट्रोक को आप पहचानेंगे कैसे? इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे डॉक्टर एफ ए एस टी यानी फास्ट का नाम देते हैं तो फास्ट फॉर्मूला क्या है यह समझ लीजिए बहुत जरूरी है आपके लिए यहां एफ का मतलब है फेस अगर आपके चेहरे की मांसपेशियां कमजोर पड़ रही हैं एक अर्थ है आम यानी अगर आपके बाजुओं में कमजोरी महसूस हो रही है या आपको ऐसा लगता है कि बाजू आपकी बेजान हो गई है इस फॉर्मूले में एस का मतलब है स्पीच अगर आपकी जुबान लड़खड़ाने लगी है और टी का अर्थ है टाइम तो यह टाइम है जब आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए यह ब्रेन स्ट्रोक के साफ लक्षण हो सकते हैं इसलिए इस फास्ट फॉर्मूले को हमेशा याद रखिए आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम यही चाहेंगे कि आपको इतने कष्ट की जरूरत कभी ना पड़े आपको इतना कष्ट कभी ना झेलना पड़े इसलिए अब आपको छोटे छोटे लेकिन काम के टिप्स नोट कर लीजिए जो आपके दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखने का काम करेंगे और सुस्त नहीं होने देंगे ये पजल सॉल्व करने या शतरंज जैसे खेल खेलने से दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है इसलिए कोई ना कोई दिमाग की एक्सरसाइज करते रहिए ऐसे खेल ब्रेन एक्सरसाइज यानी दिमागी कसरत का काम करते हैं एक्सरसाइज आपके तन और मन दोनों से दोनों को फिट रखने में मदद रखती है मदद करती है अगर आपने 35 से 40 वर्ष की उम्र तक कभी कोई व्यायाम नहीं किया है तो आप वॉक करने से इसकी शुरुआत कर सकते हैं सैर करने से शुरुआत कर सकते हैं सप्ताह में पांच दिन मिनट की वॉक जरूर करें अगर आप युवा हैं तो अपनी पसंद और फिटनेस लेवल के हिसाब से जिम स्विमिंग रनिंग साइकिलिंग या किसी भी खेल कूद को व्यायाम के तौर पर आप चुन सकते हैं पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिए ये दिमाग को तरोताजा रखने में मदद करता है तो जब भी आपको थकान लगे तो जो सबसे सिंपल फॉर्मूला है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो अपनी दवाएं कभी भी छोड़े नहीं नियमित तौर पर बिना भूले दवा जरूर लें बीच बीच में दवा छोड़ने से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बहुत बढ़ जाता है डायबिटीज के मरीजों को भी शुगर लेवल हमेशा काबू में रखना चाहिए दिवाली आ रही है इसलिए मिठाई थोड़ी कम खाइएगा शुगर लेवल में बहुत ज्यादा बदलाव दिमाग की सेहत के लिए बुरा माना जाता है और हमेशा कोशिश करें कि सेहतमंद और ताजा स्वस्थ खाना खाएं सबसे बड़ी बात हमेशा खुश रहें हालांकि इतना आसान नहीं है हमेशा खुश रहना लेकिन कोशिश कीजिए कि आप हमेशा खुश रहें यह सबसे महंगी चीज है सबसे महंगी दवाई है जो मुफ्त में मिलती है छोटी छोटी खुशियां स्वास्थ्य का बड़ा खजाना आपके लिए खोल सकती हैं जबकि चिंता यानी तनाव बीमारियों की एक बहुत बड़ी वजह इसीलिए कहते हैं चिंता चिता के समान होती है ज्यादा चिंता करेंगे तो सीधे चिता तक ले जाएगी Presenting the news app available on google play and app store download it now